हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे जो टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, कि कितने तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, इन सब के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो करंट का जनरल मीनिंग जो होता है वो होता है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, करंट को, ठीक है। जैसे अगर सपोज अगर एक पाइप के थ्रू, ये अगर हमने एक पाइप कंसिडर किया, अगर एक पाइप के थ्रू वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाटर करंट। जैसे ये हमने एक पाइप लिया जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर लें कि जैसे मान लो सपोज, जैसे ये अगर क्लास की छुट्टी होती है या स्टूडेंट्स, ये जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट का करंट जा रहा है, यानी किसी भी चीज का अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज का करंट जा रहा है, ठीक है। यानी करंट का इन जनरल मीनिंग क्या हो गया, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग। जिस चीज का अगर कंटिन्यूअस फ्लो होगा उसको उसका करंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर वाटर का अगर कंटिन्यूअस फ्लो रहा है तो वाटर करंट होगा, स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का करंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होगा कि किस चीज का फ्लो होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी किसी भी चार्ज, किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी मटेरियल के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज हमने एक वायर लिया, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मानो सपोज ये मार्क कर देते हैं, वायर किसी शेप का होता है तो ये जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अगर किसी वायर के या किसी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो जाए, जैसे अगर यही वायर अगर हमने कंसिडर किया है, इसके थ्रू अगर चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को अगर इन जनरल डिफाइन करें तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए अब ये इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे अगर एक वायर के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज अगर इस वायर के थ्रू अगर 10 कूलम चार्ज, कितना 10 कूलम चार्ज अगर 5 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो 2 कूलम, ऑब्वियसली 1 सेकेंड में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो 2 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस वायर के थ्रू वो कितना होगा, 2 कूलम पर सेकेंड। अगर किसी ने बोला कि हमारे इस किसी वायर के थ्रू अगर 10 कूलम चार्ज का पर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, यानी उस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर मान लिया एक वायर लिया जिससे क्यू टाइम में अगर मैथमेटिकली हमें डिफाइन करना है तो इन जनरल अगर डिफाइन करें तो क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू अगर क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितने चार्ज का, क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई, इस वायर के थ्रू टी टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो यूनिट टाइम में कितने चार्ज का फ्लो होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो क्यू अपॉन कितना, टी, और यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर। यानी अगर जब भी अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट अगर डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन अपॉन कितना, टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या कि क्यू चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा था, टी टाइम, तो हमने क्या देखा कि चार्ज फ्लोन कितना, क्यू अपॉन
टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, या टाइम इंटरवल, तो वही हमारा क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी यहां से आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू बाई टी के बराबर, ठीक है। यहां से लोग अगर और देखे, आई क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्यू बाई टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहे या डिफाइन करना चाहे, तो ये क्या होगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर, थ्रू अ वायर इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना चार्ज अगर फ्लो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि यूनिट टाइम अगर चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से चार्ज के फ्लो का रेट दे रहा है, यानी हमारा क्या होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू क्रॉस सेक्शन या मटेरियल, थ्रू और वायर और मटेरियल, थ्रू वायर और मटेरियल, किसी भी मटेरियल या वायर से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई क्वेश्चन हमने क्या डिफाइन कर लिया, क्यू बाई टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी हमें जो वायर के थ्रू या मटेरियल के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वो हमें दिया हुआ रहता है, कि सपोज इस क्रॉस सेक्शन से अगर 10 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में पास हुए या 20 इलेक्ट्रॉन 4 सेकंड में पास हुए, तो उस समय हमें करंट की वैल्यू निकालनी रहती है। तो हमें पता है कि कल हमने देखा था कि Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, L इनटू E, तो उस समय हमारा जो करंट आएगा वो किसके बराबर, I इक्वल्स टू L इनटू E बाई T, जहां पे N जो होगा वो क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N की वैल्यू किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। और E क्या होगा कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E इक्वल्स टू किसके बराबर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो -1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये हमारा आ गया I की वैल्यू करंट। अब इसका अगर SI यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, चलो भाई अगर हम इसके बाद अगर इसका ऐसा यूनिट अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, हमने दो डेफिनेशन देख लिए कि आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी, या अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हो तो क्या, आई इक्वल टू एल इनटू ई बाई टी। हम लोग देखते हैं अगर इसका एसआई यूनिट अगर इलेक्ट्रिक करंट का देखा जाए तो क्या होगा, तो चार्ज का एसआई यूनिट अपॉन टाइम का एसआई यूनिट, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट के नाम पे लिखा जाता है, एम्पियर, ठीक है। तो 1 कूलम पर सेकंड लिखो या फिर 1 एम्पियर लिखो, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी ये होता है कि वायर के थ्रू या मटेरियल के थ्रू काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का भी फ्लो, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके अलावा, जैसे 1 मिली एम्पियर किसके बराबर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर, या फिर ऐसे देख लो कि 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि इस मटेरियल के थ्रू जो करंट का फ्लो है वो कितना हो रहा है, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो, 1 नैनो एम्पियर, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि उस वायर के थ्रू कितना करंट का फ्लो है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6 या 10 टू द पावर -9 एम्पियर, ठीक है। चलो इसी बार हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर कब होता है, कि 1 एम्पियर का कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जो आई की वैल्यू देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आई प्लस टू हमने क्या डिफाइन किया था, क्यू बाई टी। अगर मान लो किसी वायर के थ्रू, ठीक है, एक सेकेंड में, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं,
अगर क्यू की वैल्यू, ये जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, उस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाए 1 कूलम, और ये टाइम डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए 1 सेकंड के बराबर, ठीक है। यानी इस वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आई की वैल्यू किसके बराबर, तो 1 कूलम अपॉन कितना 1 सेकंड, यानी 1 कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पीयर। यानी किसी भी वायर के थ्रू अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का अगर फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस वायर से कितना एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पीयर का। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर, ठीक है, इन 1 सेकंड देन करंट थ्रू वायर विल बी 1 एम्पीयर। यानी अगर 1 सेकंड में किसी वायर के थ्रू 1 कूलम चार्ज का फ्लो रहा है, तो उस वायर से कितना एम्पीयर का करंट फ्लो होगा, 1 एम्पीयर का फ्लो, ठीक है। अब ये बात आते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर कैसे होता है, ये आगे हम लोग 11th में जब आएंगे उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि वेक्टर होने के लिए एक केवल यही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होना जरूरी नहीं है, एक और क्राइटेरिया होती है जो कि हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने लेते हैं, वो होता है कि जब भी जैसे मान लो वायर के थ्रू चार्ज का जो फ्लो होता है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है। जैसे सपोज ये वायर लिया हमने, अगर इस डायरेक्शन, अगर इस वायर से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या मानेंगे कि इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वैसे जो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखना कि अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। एक और बात ध्यान रखो कि एक्चुअल में वायर के थ्रू जो होता है, वो पॉजिटिव चार्ज का नहीं, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन उस समय जिस समय हमें इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात हमें बतानी थी, उस समय हमें केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही पता था, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन का, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, वही हमने क्या ले लिया, एज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये सिर्फ हमारा एक कन्वेंशन, ठीक है, इसमें कोई ये चीज नहीं है कि हाँ ऐसा क्यों लेते हैं, इसमें कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक कन्वेंशन है हमारा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि किस कितने जो भी कोई भी मटेरियल जो है, उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से, तो वो देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कोई भी मटेरियल जो होगा, वो किससे मिलकर के बना होगा, एटम्स से। एटम्स के अंदर जो रहता है, सबसे अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस, और उसके बाहर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये होता है। ये जो न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, यही होता है। अब एक बात है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये जो रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस, हमने देखा था कि जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग स्ट्रेंथ से होल्ड करके रखता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आयरन का जो न्यूक्लियस होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग स्ट्रेंथ से होल्ड करके रखे, हाइड्रोजन के केस में अलग स्ट्रेंथ से होल्ड करके रखते हैं, हीलियम के केस में अलग स्ट्रेंथ से होल्ड करके रखते हैं। तो होता क्या है कि किसी जिस कुछ मटेरियल्स में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स अगर काफी स्मॉल फोर्स से अगर होल्ड किए रहे, तो ये क्या रहेंगे कि ये इजीली फ्लो भी कर सकते हैं,
ये कह रहे हैं बाहर फ्लो करने के लिए, बाहर फ्लो कर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर सपोज ये पॉजिटिव ये न्यूक्लियस है अपने सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अगर काफी कम फोर्स लगा है, ठीक, अगर काफी कम फोर्स लगाया तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या रहे इससे बाहर भी निकल जाए, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहेगा तो ये बाहर भी निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा मतलब क्या होगा कि ये फ्री रहेगा मूव करने के लिए, ठीक है। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मटेरियल के अंदर ही वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री रहेगा, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, ये अपने मटेरियल के अंदर मूव करने के लिए क्या है फ्री है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, यानी वैसे उस उन मटेरियल्स में ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा फोर्स से होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो कुछ मटेरियल्स जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं यानी जिनमें ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफी कम फोर्स लगा हुआ रहता है, यानी न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस लेस फोर्स से यानी कम फोर्स से होल्ड करके रखता है, वैसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग कंडक्टर्स, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि मटेरियल्स द मटेरियल्स इन विच, ठीक है, द मटेरियल्स इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते हैं वैसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं आर कॉल्ड कंडक्टर्स, वैसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम लोग कंडक्टर्स, ठीक है। अब एक बात देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे इन मटेरियल्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री थे, यानी ये क्या कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करेंगे मतलब क्या है कि चार्ज के फ्लो को अलाउ करेंगे, यानी ऐसे मटेरियल से क्या हो सकता है कि चार्ज का फ्लो हो सकता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है। एक और डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि which allow the flow of electric charge, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट में लिख सकते हैं which allow the flow of electric current are called conductors, ऐसे मटेरियल को क्या बोल सकते हैं हम लोग कंडक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लें एल्युमिनियम, ठीक है, या फिर कॉपर, जो भी हमारा जो वायर होता है इलेक्ट्रिक, जैसे जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह कनेक्टेड होते हैं वो सारे एल्युमिनियम कॉपर से ही बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर क्या हो सकता है कि या तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या वैसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कंडक्टर्स। सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो नेगलिजिबल हो मतलब काफी कम होते हैं, एक या दो ऐसे मिलेंगे, तो वैसे मटेरियल्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग इंसुलेटर्स, यानी द मटेरियल्स इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेगलिजिबल, वैसे मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेगलिजिबल होते हैं आर कॉल्ड इंसुलेटर, वैसे मटेरियल को क्या बोलेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट के या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि दिस मटेरियल्स डू नॉट अलाउ flow of charge और electric current through them, ठीक है। ऐसे मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं मतलब इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मूव भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं प्योर वाटर ले सकते हैं, ठीक है, रबर ले सकते हैं,
ठीक है, ग्लास ले सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे हमारे, इंसुलेटर्स। इसके अलावा हमारे पास दो मटेरियल और है, एक कौन सा, सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा कौन सा होता है, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास कौन सा है, एक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब ऐसे मटेरियल जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स में कि इनके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर से कम होते हैं लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स, यानी द मटेरियल्स इन विच, द मटेरियल्स इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा, इंसुलेटर से, इज ग्रेटर देन इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर्स। ये ऐसे मटेरियल लेस देन कंडक्टर्स आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या नाम देंगे, सेमी कंडक्टर्स का। ठीक है, 12th क्लास में हमारा एक पूरा एक चैप्टर ही है, अभी बस हमें यही ध्यान रखना है कि कौन कौन किस टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, या गैलियम आर्सेनाइड, इनका भी काफी यूज है। जैसे मान लो जो भी एलईडी वगैरह जो बल्ब एलईडी जो बने होते हैं तो वो इन्हीं से बने होते हैं। ठीक है, इनका यूज धीरे धीरे जो काफी और भी जो ज्यादा डिवाइसेज आ रही है मॉडर्न डिवाइसेज वो ये सेमी कंडक्टर से ही बने होते हैं। ठीक है, इनके अपने अलग अलग फायदे। नेक्स्ट हमारे एक और टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होगा, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, ये सुपर कंडक्टर्स क्या होंगे, सुपर कंडक्टर। अब ये एक मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये अपने से होकर के चार्ज पक हो गए। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होगा उसपे इनसे करंट का फ्लो नहीं होगा। ये काफी जैसे ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जैसे मान लो अगर सपोज मरकरी के लिए देखें तो ये 4.2 केल्विन होता है। ठीक है, ये एक और सुपर कंडक्टर होता है नायोबियम टिन, ये भी होता है एक सुपर कंडक्टर जो कि लगभग 18 केल्विन। अब ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है कि अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट का या चार्ज का फ्लो ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पे अगर इन दोनों मटेरियल को रखा जाए तो ये चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल्स को जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने से चार्ज का फ्लो होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, यानी ये क्या लिखेंगे, द मटेरियल्स विच अलाउ, द मटेरियल्स विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, which allow flow of electric current through them at particular temperature। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अलाउ करेंगे तो वैसे पर्टिकुलर वैसे मटेरियल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर कंडक्टर्स, आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, मर्क्यूरी हो गया, नायोबियम टिन, तो ये सब क्या रहेंगे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही अलाउ करेंगे एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसके अलावा अपने पास अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे और क्या क्या एलिमेंट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, बल्ब क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, तो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सब के बारे में